और इधर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बड़ा ऐलान, अगले 15 दिन के लिए कांग्रेस ने रैलियां स्थगित की, हमारे लिए प्राथमिकता जीवन है, ये वेणुगोपाल ने कहा। 6 जनवरी से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस, कांग्रेस का बड़ा ऐलान है, 15 दिन के लिए तमाम कार्यक्रमों को, रैलियों को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि अभी एक दिन पहले की हम वीडियोज देख रहे थे, लड़की हूं लड़ सकती हूं कि मैराथन में क्या हुआ था, किस तरह से भीड़ भाड़, लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा ऐलान, बड़ी पहल को स्थगित कर दिया कोविड को चलते, क्या कांग्रेस पार्टी सेंटर में भी इस तरह कोई कदम उठा रही है? बिल्कुल, कोविड महामारी की वजह से मेगा रैली होल्ड कर दिया। तो 6 जनवरी से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस और कोई भीड़भाड़ नहीं, पत्रकारों को भी नहीं बुलाया जाएगा, सीधे ऑनलाइन ही पत्रकारों से बातचीत की जाएगी। और इसके अलावा जो कांग्रेस के कार्यक्रम है उनको भी स्थगित किया गया है, 15 दिन के लिए कांग्रेस की रैलियां स्थगित कर दी गई। यूपी कांग्रेस ने राज्य में बड़ी रैलियों को रोकने की मांग की है और यूपी कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यूपी कांग्रेस ने मांग की है पीएमसीएम की बड़ी बड़ी रैलियों पर रोक लगे, ये यूपी कांग्रेस ने मांग की है, चुनाव आयोग सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल रोके, ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मांग की गई है। तो एक बड़ी पहल कांग्रेस की तरफ से, और आपको बताएं कि केसी वेणुगोपाल ने यह कहा है कि 15 दिनों के लिए रैलियों को स्थगित कर दिया है कांग्रेस ने भी। कुमार विक्रांत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कुमार, अच्छा कदम है ये, बड़ा फैसला है, क्या दूसरी पार्टियां भी इसको फॉलो करेंगी और चुनाव आयोग पर एक राजनीतिक दल की तरफ से इस किए गए पहल का क्या असर हो सकता है? जी देखिए, अगर बात करें तो प्रियंका गांधी के परिवार में ही एक सदस्य को कोरोना हुआ, जिसके बाद वो क्वारंटीन हुई और इसी के बाद प्रियंका गांधी ने अपने सारे नेताओं को ये निर्देश दिया उत्तर प्रदेश में कि सारे बड़ी रैलियां जो है कांग्रेस पार्टी की, मैराथन जो मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं की नारे के तले हो रही थी उसको फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से जो संगठन महासचिव वेणुगोपाल, उन्होंने गांधी परिवार से आलाकमान से चर्चा की है और इस पूरे मामले में ये कहा है कि 15 दिनों तक केंद्र की ओर से सभी को ये निर्देश दिया जाता है कि मेगा रैलीज को बड़े, बहुत बड़े जो गैदरिंग वाले, इकट्ठा भीड़ इकट्ठा करने वाले कार्यक्रम है उनको स्थगित कर दिया जाए। तो एक कांग्रेस पार्टी ने, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, सभी राज्यों के लिए जहां जहां चुनाव होने हैं? जी वही मैंने आपसे कहा, प्रियंका गांधी ने शुरुआत करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस को निर्देश दिया जिसके बाद वहां कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और अब कांग्रेस के केंद्रीय संगठन महासचिव ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बात करने के बाद पूरे देश भर में कांग्रेस के बड़े नेताओं को निर्देश दे दिया है कि 15 दिन के लिए मेगा रैलियां जो बड़े कार्यक्रम है उनको स्थगित कर दिया जाए। निश्चित तौर पर ये राजनीतिक तौर पर आगे बढ़कर भाजपा पर, बाकी दलों पर एक दबाव बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, अगर इस तरह के कदम से दबाव भी बनाया जा रहा है तो ये अपने आप में एक अच्छा कदम है, कम से कम उन लोगों के लिए जो रैलियों में आते हैं और कोरोना का शिकार होते हैं। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए कुमार, और इस अपडेट के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।